नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस माई टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक्स विंग के या फैंटम है, आपके पास फैंटम प्रो है, विंग्स का कोई भी अगर एयरफोन है, वो अगर चार्ज नहीं हो रहा या उसे कैसे चार्ज करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन एक अत्यधिक जानकारी मैं आपको दे दूँ कि अगर आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, कोई सी भी आपको अगर मुफ्त में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका नाम है माई टेक्नो गाइड। यहाँ पर आपको मुफ्त में मॉड एप्लीकेशंस मिलेंगे, फ्री में मूवीज़ और फ्री में वेब सीरीज़ मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको डिमांड करनी है अपनी मूवी की और मैं आपको वो अवेलेबल करवा दूँगा, वो भी फ्री में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये जो विंग्स है, इसका जो ये एयरफोन है, इसे हम कैसे चार्ज करें, ये जो है कुछ देर बाद ख़राब हो जाता है, ये चार्ज नहीं होता या ये चार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ लाल रंग की लाइट दे रहा है लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा, तो हमें इसे चार्ज कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी वाले जो इसके साथ केबल देते हैं वो इस तरीके की केबल देते हैं, ये वाली केबल आपको भी मिली होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पावर केबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कंपनी ने दिया है टाइप सी केबल, ये कंपनी द्वारा दी गई है। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो अपने फ़ोन की पावर केबल को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ही केबल टाइप सी है, मेरे पास ये मेरे फ़ोन की टाइप सी केबल है और ये एक्स विंग की टाइप सी केबल है, ये दोनों ही टाइप सी है। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि ये जो फ़ोन की जो केबल होती है दोस्तों, ये पावर केबल्स होती हैं। इसको जैसे ही आप सप्लाई करोगे अपने पावर बैंक से या चार्जर से, तो इसमें एक पावर दौड़ता है। और ये जो एयरफोन है, ये इतना पावर, इतना वाट जो है सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए ये जो विंग्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं, ये जो एयरफोन है ये ख़राब हो जाते हैं। ये इसीलिए ख़राब होते हैं क्योंकि हम इनमें पावर केबल, पावर चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सही इस्तेमाल क्या है, आप इन पावर केबल्स का इस्तेमाल ना करें, किसी भी फ़ोन के केबल का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ कंपनी की दी हुई जो ये केबल है, ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही हल्की केबल होती है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपने करना है। आप चाहे इसे पावर बैंक से करो, फिर उसके बाद चाहे आप अपने किसी भी अडेप्टर पर लगा करके, जो भी अडेप्टर है आपके पास, चाहे सैमसंग है, MI है, कोई भी चार्जर है, तो उस पर लगा करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं, तब शायद कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस केबल का इस्तेमाल करें, और पावर बैंक अगर है आपके पास तो सबसे बढ़िया है, पावर बैंक पे कनेक्ट करके इसे चार्ज करें। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने पावर बैंक से, मैं जब भी इसे चार्ज करता हूँ, अब एक बार बीच में ये ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने इसे रिप्लेस किया और रिटर्न किया तो ये मुझे नया एक्स विंग मिला कंपनी की तरफ से। तो तब से मैं अब इसे ऐसे ही चार्ज करता हूँ, पावर बैंक, उनकी दी हुई केबल, और ये चार्ज हो रहा है। अगर आपका एक्स विंग चार्ज नहीं हो रहा, सपोज ख़राब हो चुका है, वो चार्ज नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो ये एयरफोन्स हैं उनको बाहर निकाल करके एक बार फिर चार्ज पर लगाइए एक घंटे के लिए, और ऐसे ही प्रोसेस आप ये देखिए जैसे मैंने किया है। ये जो पावर केबल है, फ़ोन की जो केबल है, उसका इस्तेमाल नहीं करना, कंपनी की जो दी हुई हल्की केबल है इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपका चार्ज नहीं हो रहा है तो वो जो एयरफोन्स हैं उनको आप निकाल दीजिए, बाहर निकाल के रख दीजिए, और ऐसे डब्बे को चार्ज करते रहिए एक घंटे तक, क्या पता वो चार्ज हो जाए। अगर नहीं होता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मैंने कंपनी में क्लेम करके रिटर्न कर दिया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।